नानक जी का कथन है कि हे जीव, प्रातः काल उठकर ईश्वर का नाम जप और रात दिन उसकी आराधना कर, फिर तुझे कोई चिंता फिक्र प्रभावित नहीं करेगी और मुसीबत लुप्त हो जाएगी। पौड़ी झज्जा झूरण मिटे तुम्हारो, राम नाम सिंह कर व्यूहारो, झूरत झूरत साकत मुआ, जाके रिद्दे होत भव बिया, झरह कसमल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, झरह काम क्रोध दुरुष्टाई, नानक जाकौ कृपा गुसाई। झा परमेश्वर जी के नाम का व्यापार करने से तेरा पश्चाताप मिट जाएगा। शाक्त मनुष्य जिसके हृदय में मोह माया की प्रीति है, वह बड़ी चिंता एवं दुख से मर जाता है। हे मेरे मन, संतों की संगति में अमृत कथा सुनने से तेरे समस्त पाप विकार एवं दोष मिट जाएंगे। हे नानक, जिस व्यक्ति पर परमात्मा जी कृपा कर देते हैं, उसके काम क्रोध इत्यादि समूचे दुष्ट नाश हो जाते हैं। सलोक यतन करह तुम अनिक विद, रहन न पावह मीत, जीवत रह हर हर भजह, नानक नाम प्रीत। हे मेरे मित्र, चाहे तू अनेक प्रकार के उपाय कर ले, परंतु दुनिया में सदा के लिए नहीं रह सकेगा। हे नानक, यदि हरि परमेश्वर जी का भजन करोगे और नाम से प्रेम करोगे तो सदा के लिए आत्मिक जीवन प्राप्त हो जाएगा। पावड़ी अंजा, यह बात निश्चित तौर पर समझ ले कि यह दुनिया का मोह नाश हो जाएगा। चाहे मैं गणना करता रहूं, किंतु मैं गिन नहीं सकता कि कितने प्राणी संसार त्याग कर चले गए हैं। जिस किसी को भी मैं देखता हूँ, वह नाश होने वाला है। इसलिए मैं किस से संगति करूँ? इस प्रकार अपने मन में उचित समझ ले कि दुनिया के पदार्थों की प्रीति झूठी है। इस तथ्य को वही जानता है और वही संत है जिसको प्रभु ने दुविधा से खाली किया है। हे ईश्वर, जिस मनुष्य पर तुम सुप्रसन्न होते हो, उसे तुम अंधे कुएं से बाहर निकाल लेते हो। जिसका हाथ सामर्थ्य है, वह संसार के संयोग बनाने के योग्य है। हे नानक, उस प्रभु की गुण स्तुति करते रहो जो संयोग बनाने वाला है। सलोक टूटे बंधन जन्म मरण, साध सेव सुख पाई, नानक मन ना बिसरे, गुण नित गोविंद राई। संतों की निष्काम सेवा करने से जन्म मरण के चक्कर मिट जाते हैं और सुख उपलब्ध हो जाता है। हे नानक, गुणों का भंडार गोविंद प्रभु उसके मन से कभी भी विस्मृत ना हो। पौड़ी टहल कर रहता हूँ एक की, जाते बिरथा ना कोई, मन तन मुख हिये बसे जो चाहे सो होई। टहल महल ता कऊ मिले, जा कऊ साध कृपाल, साधु संगत ताऊ बसे, जऊ आपन हो दयाल। टोहे टाहे वह भवन, बिन नावे सुख नह, टलह जाम के दूत, तिह जय साध संग समह। बार बार जाऊ संत सदके, नानक पाप बिना से कद के। टा उस एक ईश्वर की सेवा करते रहो, जिसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि प्रभु तेरे मन शरीर मुख एवं हृदय में बस जाए, तो जो कुछ भी तुम चाहते हो वही मिल जाएगा। जिन पर संत कृपा के घर में हैं, उन्हें भगवान की सेवा का मौका मिल जाता है। संतों की संगति में मनुष्य तभी निवास करता है जब ईश्वर स्वयं दयाल होता है। मैंने अनेकों लोक ढूंढ लिए हैं, परंतु ईश्वर के नाम बिना सुख शांति नहीं। जो व्यक्ति
संतों की संगति में बसता है, यमदूत उससे दूर हट जाते हैं। हे नानक, मैं बार बार संतों पर कुर्बान जाता हूँ, जिनके द्वारा मेरे कई जन्मों के किए अशुभ कर्मों के पाप नाश हो गए हैं। लोक ठाक न होती तिन है दर, जिह हो वह सुप्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। हे ईश्वर, जिन पर तुम सुप्रसन्न हो जाते हो, उनके मार्ग में तेरे दर पर पहुंचते हुए कोई रुकावट नहीं आती। हे नानक, वह पुरुष भाग्यशाली हैं जिनको ईश्वर ने अपना बना लिया है। पौड़ी ठट्ठा मनुआ ठाठह नाही, जो सगल त्याग एक लपटाही। ठहक ठहक माया संग मुए, उआ के कुशल न कतहु हुए। ठंड परी संतह संग बसिया, अमृत नाम तहा जिया रसिया। ठाकुर अपने जो जन भाया, नानक उआ का मन शीतलाया। था जो सब कुछ त्याग कर एक ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वह किसी के भी मन को दुख नहीं पहुंचाते। जो लोग संसारिक माया से उलझे हुए हैं, वह मृत हैं और उनको कहीं भी प्रसन्नता नहीं मिलती। जो व्यक्ति संतों की संगति में वास करता है, उसका मन शीतल हो जाता है और नाम अमृत उसके हृदय को बड़ा मीठा लगता है। हे नानक, जो व्यक्ति अपने ईश्वर को भला लगता है, उसका मन शीतल हो जाता है। श्लोक दंडौत वंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखह प्रभु नानक देकर हथ। हे नानक, इस तरह वंदना कर, हे सर्व कला संपूर्ण प्रभु, मैं अनेक बार तुझे प्रणाम करता हूँ, मुझे अपना हाथ देकर माया के मोह में विचलित होने से बचा ले। पौड़ी डड्डा डेरा एह नहीं, जह डेरा तह जान, उआ डेरा का संजमो गुर के शब्द पछाण। इया डेरा कौं शर्म कर घाले, जाका तसु नहीं संग चाले। उआ डेरा की सो मित जाने, जाको दृष्ट पूरण भगवाने। डेरा निश्चल सच साध संग पाया, नानक ते जन नह डोलाया। डा हे जीव, यह जगत तेरा निवास नहीं, उस स्थान को पहचान जहाँ तेरा वास्तविक घर है। गुरु के शब्द द्वारा तू उस निवास में पहुँचने की विधि पहचान ले। संसार के इस निवास हेतु मनुष्य कड़ा परिश्रम करके साधना करता है, किंतु मृत्यु आने पर इसका थोड़ा सा भी इसके साथ नहीं जाता। उस निवास स्थान की मर्यादा वही जानता है जिस पर पूर्ण भगवान अपनी कृपा दृष्टि करता है। यह निवास स्थान निश्चित एवं सच्चा है और यह सत्संग द्वारा ही प्राप्त होता है। हे नानक, वह सेवक जो इस शाश्वत निवास को संतों की संगति द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, उनका हृदय विचलित नहीं होता। श्लोक दाहन लागे धर्म राई, कि नह ना घाड़ियो बंध, नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। जब यमराज ध्वस्त करने लगता है, तो कोई भी उसके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। हे नानक, जो व्यक्ति सत्संग में संबंध जोड़कर ईश्वर की आराधना करते हैं, उनका भव सागर से उद्धार हो जाता है। ढड्ढा ढूंढत कह फिर है ढूंढन, इया मन मह संग तुहारे प्रभ बसे, बन बन कहाँ फिरा ढेरी ढाह साध संग। एह बुद्ध विकराल, सुख पावे सहजे बसह, दर्शन देख निहाल। ढेरी जामे जम मरे, गर्व जोन दुख पाई, मोह मगन लपटत रहे, हाउ हाउ आवे जाई। दहत दहत अब ढह परे, साध जना शरणाई, दुख के फाहे काटिया,
नानक लिए समाई ढा। तुम परमात्मा जी को ढूंढने के लिए कहाँ फिर रहे हो, खोज तलाश तो इस हृदय में ही करनी है। ईश्वर तेरे साथ ही रहता है, तुम बन बन में क्यों भटकते फिरते हो। सत्संग में अपनी अह बुद्धि के विकराल ढेर को गिरा दो, ऐसे तुझे सुख प्राप्त होगा और सुख शांति में वास करोगे तथा प्रभु के दर्शन करके प्रसन्न होवोगे। जिसके भीतर अहंकार का यह अंबार विद्यमान है वह जन्मता मरता है और गर्भ योनि का कष्ट सहन करता है। जो व्यक्ति दुनिया के मोह में मस्त हुआ है और अहंकार एवं अह तत्व में फंसा है वह जगत में जन्मता मरता रहता है। मैं अब शने शने साधु संतों की शरण में आ गिरा हूँ। हे नानक, ईश्वर ने मेरे दुख कलेश के फंदे काट दिए हैं और मुझे अपने में लीन कर लिया है।